हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा ख्याल है ये मेरा तीसरा व्लॉग है जो मेरी तैयारी से शुरू हो रहा है कि मैं तैयार हो रही हूँ ये करूँ। तो यार अभी ना रात के बज रहे हैं, 10 होने वाले हैं, ठीक है, मतलब 10 होने वाले हैं और रात के 10 बजे मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने बस्ती में। और अंकल जो है वो बकरा लेने गए हैं, तो मैं आप लोगों को बकरा भी दिखाऊंगी क्योंकि वो घर है। बाकी आज पूरा दिन जो है सारी ईद की सफाइयाँ शफाइयाँ होती रही हैं क्योंकि परसों ईद है। बस अभी मेरे वहाँ पे वो थोड़े से कपड़े पड़े हैं जो मुझे कहीं ऊपर शायद रखने हैं और वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकती, तो मैं इंतजार में हूँ कि कौन मुझे रख के दें। मेरे कपड़े यहाँ पे रेडियो के पड़े हुए हैं, दोनों चीज़ें भी जाएंगी। चलिए तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम जो है वो ईद की तैयारियाँ करें और ये करिए नसीम आंटी प्याज फ्राई ताकि ये अभी ईद के सारे दिनों में चल जाए और हम इसको फ्रीज कर देंगे। बनाया है ये इतना ढेर सारा अदरक लहसुन ताकि ये भी ईद के दिनों में चल जाए। टमाटर भी हम लोगों ने फ्रीज कर लिए हैं इस तरह से, इसके पैकेट्स में, इस तरह से पैकेट्स बना के फ्रीज कर लिए ताकि ईद के दिनों में बहुत आसानी हो जाए। तो अदरक लहसुन टमाटर प्याज जब फ्रीज हो जाते हैं तो बस फिर और क्या रह जाता है। ये ड्राइंग रूम भी बिल्कुल साफ हो गया ड्राइंग रूम, क्योंकि ईद के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे मेहमान आने होते हैं, तो ये जो है ना आप लोग भी सबसे पहले जो है वो साफ करवा लें। रेडी हो गया मेहमानों के लिए, कोई भी आएगा तो मोस्ट वेलकम। और जो है ना एक और बड़ी अच्छी बात है कि ओवर के एक स्टूडेंट ने इतनी ढेर सारी लीचियाँ भेजी हैं क्योंकि लीचियाँ मेरी फेवरेट हैं, इतनी फेवरेट है, मेरा फेवरेट फ्रूट है लीची। और मैं बहुत खुश हूँ कि लीचियों का जो है ना पूरा डब्बा आ गया। सबसे पहले मार्केट जाके मैंने अपना दुपट्टा पिक किया क्योंकि मैंने ये डाई करने के लिए दिया हुआ था, तो शुक्र है ये मिल गया। ये भाई इस रश में ये हो रहा है, ये देखें शूट। भाईजान चांद रात की चूड़ियों के लिए कर रहे हैं या क्या, आई डोंट नो, पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। वीडियो के लिए चूड़ी पहननी है और अब ये चूड़ियां उतार रहे हैं और उनको वापस लो बजट हैशटैग लो बजट ऑल द टाइम। चलो दोनों ने कर दिया ना, ठीक है लो लो जी टेक टू। स्टॉल वालों को तंग करते हुए, लोग हमें दिल में गालियां देते हुए और आवाम परेशानी से अपनी शॉपिंग छोड़ के हमारी देख के छोटी छोटी खुशियां। ओहो मेरे से एक शॉट मिस हो गया। अगर एक भी आ जाता है ना, अगर एक ही आता है दूर, मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अगर एक आ जाता है हमारी टीम, ये सब सुनने के बाद भाई फोटोग्राफी छोड़ने का फैसला करते हुए अब ये पूछने जा रहे हैं उनसे कि भाई ज्यादा दे दें, ऐसी क्या होता है एंगल शायद ज्यादा एस्थेटिक हो। अंकल जी से साफ करें, इनको लग रहा है हम फ्री देंगे तो देखना फिर बकरों की तरह सारे हिलाएंगे। गो तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास 3 शॉट्स रह चुके हैं, बस अब वो जल्दी से हो जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। ये देखिए हमारे साथ कौन है, ईमान अमजद नवाज के साथ मैं हूँ ईमान अमजद। अभी हम लोग इस स्टॉल पे खड़े हुए हैं कि रश थोड़ी सी कम हो तो हम करें। यार बड़ा मजा आया वैसे बस्ती में हमें शूट करके, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो जैसे वेलकम हुए मजनू भाई की नहीं मूवी बन रही थी, टेक 52। तो वीडियो वाली शूट हो चुकी है, बड़ा मजा आया है और अब हम लोग खा रहे हैं गोला गंडा क्योंकि ये भी हमारी वीडियो का एक पार्ट है। लेकिन हमने कहा चलेंगे तो फन भी हो जाएगा, साथ कुछ ट्राई पियेंगे, मजा करेंगे। मुझे लग रहा है नमकीन होगा। वो स्ट्रॉ नहीं है अच्छा लगा होगा, चैनल का ब्लॉग था, मार्केट की रौनकें और साथ में हमारी रील और साथ में ये गोला गंडा।
तक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा जी, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए माशाल्लाह हम घर आए हैं, तो आगे जो है वो बकरा आया हुआ है और इतना प्यारा है, बस अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल फरमाए हमारी। और मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं हाथ भी नहीं लगा रही, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। चांद रात और मेहंदी ना लगाई जाए ऐसे तो नहीं हो सकता, तो इसलिए मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसी मेहंदी लगवाई। मुझे इस तरह का डिज़ाइन पसंद है, तो मैंने कहा यार जितना भी लेट हो जाऊँ जितना भी थक जाऊँ मेहंदी लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।